नमस्कार दोस्तों, दिस इज आशीष भांडे फ्रॉम भांडे सर्स एकेडमी। अभी जो COVID-19 का एक हम लोग बोलेंगे कि वॉर चालू है COVID-19 के साथ हमारा। पहले मैं सोचता था कि अब इसके ऊपर कोई वीडियोस बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा एजुकेशनल वीडियोस का सीरीज चल रहा था, लेकिन अभी जो बाहर का सिनेरियो मैं देख रहा हूँ उस आधार पर मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि यहाँ पे बीइंग एज एन रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ ए सोसाइटी ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं भी खुद उसमें शामिल हो जाऊँ और मैं दूसरों को भी बताऊँ कि कितना ज़रूरी है हम लोगों को इस COVID-19 से बचना। दोस्तों, मैं अभी उसके सिम्टम्स क्या है, COVID-19 क्यों आता है क्यों नहीं आता है, इन चीज़ों में नहीं जाऊँगा। आई थिंक पूरे सोशल मीडिया में अभी यही चल रहा है एंड इट्स ब्लॉक योर माइंड राइट नाउ, ये सबके माइंड में फिट है। लेकिन जो अभी कल प्रधानमंत्री साहब ने मैसेज आके जो दिया मोदी साहब ने, उसके बाद आज भी उन्होंने कंसेक्यूटिव दो कॉन्फ्रेंसेस की है, तो मेरा जो एनालिसिस है मैं इस तरीके से आपके सामने रखूंगा कि दोस्तों देखिए कि किसी भी मुल्क का वजीर आजम 21 दिन के लिए अपने मुल्क को, अपने कंट्री को वो लॉकडाउन कर रहा है, इसका मतलब ही ये है कि काफी सीरियस इश्यू है। आप सोचिए 21 दिन में कितनी इकोनॉमी, वैसे ही अपनी इकोनॉमी डाउन चल रही है और 21 दिन में और कितनी इकोनॉमी डाउन जाएगी, फिर भी उसने ये किया है, मतलब आप समझिए। कंटिन्यूअस दूसरी बार आज भी उन्होंने आके लोगों से अपील की है कि आपका सहयोग हमें चाहिए। जो बाहर देखे, पहले उन्होंने 144 किया था कि यू कैन नॉट ट्रैवल, उसके बाद में उसके यू कैन नॉट गैदर, उससे काम नहीं बना, यू कैन नॉट ट्रैवल। पहिल्यांदा त्यांनी आई थिंक जमावबंदी एंड त्याच्यानंतर मग संचारबंदी, ऐसे दोनों चीजें उन्होंने किया, लेकिन फिर भी लोग राज नहीं आ रहे। अब लोगों को यूं लग रहा है कि अभी तो कुछ नहीं है, हमको यहाँ होता है, अभी भी वो फालतू की कमेंट चल रही है। हमारे दोस्तों ने बहुत मतलब दूर दूर से वीडियोस बना के भेजे हैं, उन्होंने बोला है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोगों का हेल्थ में कौन सा नंबर है, ये आपको व्हाट्सअप के जरिए समझ में आया होगा। और जो भी एजुकेटेड या मैं बोलूँगा डेवलप्ड कंट्रीज है, उन लोगों की यह हाल है, परेशान हो गए हैं। इवन USA अमेरिका, जिनका स्वास्थ्य में बोलो सब चीजों में नंबर एक है, आज उन्होंने भी हाथ ऊपर कर दिए, वो भी बोल रहे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इससे बचना यही इलाज है। अब हम लोगों का 21 डेज का साइकिल का मतलब क्या है कि हम कोरोना के साथ जीतने वाले नहीं है, कोरोना की जीत को हम सिर्फ पोस्टपोन कर रहे हैं। मतलब देखिए, ये जो चेन है, साइकिल है, साइकिल को तोड़ना क्यों जरूरी है कि हम लोग घर पे रहेंगे, यदि सारी चीजें चालू रहेगी तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आएगा और सारी चीजें नॉर्मल रहेगी कि तो वो 100 केस में इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बनती है, एक 10 तक जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10000 हो जाएगा, और यदि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ तो उसके बाद अपने पास कोई इलाज नहीं है। एंड जो अभी की हालात है हमारे पास का, वेंटिलेशन देख लो, सारी 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 चीजें देख लो, आप सभी यहां इटली का उदाहरण देख लो, पूरे के पूरे, इवन दो आई विल गिव द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आवर नेबरहुड लाइक पाकिस्तान, जिनके वजीर आजम इमरान खान ने पहले दिन आके बोल दिया था कि हम यहां पे लॉकडाउन नहीं कर सकते, लोग भूख से मर जाएंगे, लेकिन उनको भी दूसरे दिन आके पूरा का पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन करना पड़ा। इवन दो वैसे उनकी इकोनॉमी पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी है, उसके बावजूद भी उन्होंने ये स्टेप लिया है। सारे उधर बर्तानिया ले लो, आप इटली ले लो, फ्रांस ले लो, जापान ले लो, अमेरिका, फ्रांस, इन एवरी कंट्री देर इज अ लॉकडाउन। सो लॉकडाउन इज अ वेरी वेरी इसेंशियल। लॉकडाउन का मतलब है हमको डायरेक्टली उस चेन को खत्म करना है, हमको उससे बचना है। और जो भी अभी तो फिलहाल ये बोला है कि कितने इन्फेक्टेड है एक्चुअल में, ये हमको पता नहीं है। 14-15 दिन के बाद उसके सिम्टम्स जैसे जैसे बाहर आएंगे, देन ओनली केम टू नो कि कितने इन्फेक्टेड है, और जो लास्ट स्टेज में जाएंगे उसके बाद हमको पता चलेगा। मतलब अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि 14 फेब, मेरे हिसाब से जो 14 अप्रैल है, ये एक हमारा टारगेटेड लाइन है, यहाँ हमको समझ में आएगा कि हमारी परिस्थिति क्या है, उसके बाद हमको डिसीजन लेनी है। इसलिए हमको साफ साफ ये मेंटेलिटी बनानी है कि जब तक के सिचुएशन
सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगी तब तक हमको घर में ही रहना है, उसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस या कोई इंटेलेक्चुअल्स, कोई लिबर्टी लिबरल ये कोई विचार बीच में लाने नहीं है। सिंपल कमांड इज गिवन, वी हैव टू स्टे एट होम मींस वी हैव टू स्टे एट होम। देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट कि क्यों निकलना नहीं चाहिए। अभी कुछ चीजें लोग ये बोल रहे हैं, अमरावती में तो एक भी पेशेंट नहीं है, फिर हमको क्यों लॉक करके रखा है। भाई फिर आप ये चाहते हो कि अमरावती के अंदर पहले 100-200 हो जाए उसके बाद में लॉक करें? बिल्कुल घटिया सोच है। मुझे लगता है वी आर सेफ, वी हैव टू बी ए सेफ। मैं आपको बता रहा हूं, मैं मेरा खुद का छोटा भाई है, ही इज इन मलेशिया, उसका उदाहरण बता रहा हूं कि वो 28 अप्रैल को यहां आने वाला था, 23 तारीख को उसकी टिकट आ गई थी और 23 तारीख को शाम को इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि 4 कंट्रीज से लोग यहां पे नहीं आ सकते, वहां पे लॉकडाउन किया गया है। 31 मार्च को उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है कंपनी से, उसका रहने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, सारी चीजें खत्म हो रही है। बावजूद भी मलेशियन गवर्नमेंट हैज गिवन देम एन राइट बियॉन्ड द ह्यूमैनिटी कि भाई आप यहां जहां पे हो वहां पे सेफ हो, तो वो अभी वहीं पे है और पूरा का पूरा मलेशिया कुआलालंपुर पूरा का पूरा स्टॉप हो चुका है, वहां पे भी किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। तो एवरीवन हैज अंडरस्टूड द सीरियसनेस। इंटेलेक्चुअल्स का डेटा हमारे पॉलिटिशियंस के पास आ रहा है, इसलिए वो हमको बार बार आके ये कह रहे हैं कि आपको इन चीज को समझना है, हालात को समझना है और आपको सेफ रहना है। और मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो हमको गाइडलाइन मिल रही है उस गाइडलाइन के हिसाब से हमको आगे जाना है और आने वाली परिस्थिति को यदि हमको काबू में करना है। देखो हम एक ही चीज कर सकते हैं, हम कोरोना के साथ नहीं लड़ सकते, हम सिर्फ कोरोना से बच सकते हैं। जितने कम से कम लोग इन्फेक्टेड होंगे, जितने कम से कम लोग तीसरी स्टेज में या फाइनल स्टेज में जाएंगे, वो हमारे लिए अच्छी बात है, हम उन्हीं लोगों का इलाज कर सकते हैं। यदि यह आंकड़ा बढ़ता है तो फिर हमारे किसी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ हमको मौत का तांडव देखना बाकी रह जाएगा। दैट्स व्हाट्स एन क्लियर मैसेज। सो फ्रॉम माय साइड व्हाट आई सपोज टू बी कि जो जो गाइडलाइन आ रही है उसको फॉलो करना है, घर पे ही रहना है, घर के बाहर नहीं निकलना है, जरूरी चीजों के लिए जो टाइम दिया है उसी टाइम में बाहर निकलना है। अदरवाइज इन दिनों बड़ा फेमस मैसेज चल रहा है दैट इंडियन पुलिस हैज ओन द टॉस एंड चूज द बैट, सो डिसाइड यू। थैंक यू वेरी मच।